कहते हैं कि चाहे हीरक जयंती हो या ये अब जो 28 जनवरी को दिल्ली में कार्यक्रम है, लोग ये कहते हैं जो राजनीतिक जानकार है कि ये एक शक्ति प्रदर्शन है। चुनाव से पहले, विधानसभा से पहले हीरक जयंती पर हुआ, अब लोकसभा चुनाव है, उससे पहले जो राजपूत समाज है वो एक कड़ा संदेश देना चाहता है। कड़ा और नरम संदेश तो क्या होता है, देखो 75 साल जो है वो है, 75 साल, 75 साल में इतने बड़े कार्यक्रम पहले नहीं हुए जितने अभी 5-7 सालों से, जितना मैंने आपको पहले भी पूछा ना कि सक्रिय इसीलिए हुआ है, लोगों को ताकत बताने की कोशिश की जा रही है कि साहब हम लोग संगठित है, पहले इस तरीके के कार्यक्रम में इतना बड़ा हावला नहीं होता था। देखो दो एक कहावत है अंग्रेजी में, मैं उसको हिंदी में ही बता देता हूँ, हाँ। कि ताकत और औरत, इन दोनों को ये बताना नहीं पड़ता कि वो क्या है, ठीक है, सबको पता है कि कौन क्या है। जिनके पास ताकत होती है उनको कुछ ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं होती, ताकत होती है या ताकत नहीं होती है। कई बार आप कितना ही आप बता दो, मैं अभी कह दूं कि मैं अंबानी के बराबर हूँ, देखिए आप सबको ही पता है कि मेरा रिटर्न कितना है, तो उसमें कुछ नहीं। ये 75 साल। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। इस समय 28 जनवरी को दिल्ली के अंदर तनसिंह जयंती की 100वीं शताब्दी मनाई जा रही है और उसके लेकर जबरदस्त तरीके से पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से वहां लोग पहुंचने वाले हैं और मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि तनसिंह जी का कैसा राजनीतिक जीवन था, कैसा सार्वजनिक जीवन था और किस तरीके से क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना हुई। इन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ में इस वक्त राजेंद्र सिंह भियाड़ है जो कि इन तमाम चीजों पर विशेष तौर से रुचि रखते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है 100वीं शताब्दी, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि तनसिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था और उसके बाद में उनकी राजनीति के अंदर कैसे एंट्री हुई, कैसे क्षत्रिय युवक संघ बना, इन तमाम चीज़ों को लेकर, ताकि लोगों को ये पता भी चले कि आखिर किस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन और तमाम चीज़ें थी। सन 1924 में वो पैदा हुए, उनका ननियाल था जैसलमेर जिले में, बेरशियाला गांव है, आपने देखा होगा, बिल्कुल अभी भी दौरों के बीच में ही है और बहुत सामान्य से परिवार में उनका ननियाल था, वहाँ पैदा हुए। और उसके बाद में उनका जो पैतृक गांव था वो बाड़मेर जिले में, रामदिरिया गांव जो बाड़मेर के पास में ही है, उसके बाद में उनकी प्राथमिक शिक्षा यहीं हुई और फिर वो हायर एजुकेशन के लिए, उस समय बड़ा सेंटर था चौपासनी जोधपुर में, हाँ। चौपासनी चले गए। चौपासनी में वो पढ़ने में बहुत मेधावी थे, तो चौपासनी के वो बेस्ट स्टूडेंट बने, वो गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। और चौपासनी के बाद में उस समय बिड़ला जी की ओर से पिलानी में एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, तो फिर वो पिलानी चले गए आगे के एजुकेशन के लिए, और फिर उन्होंने लॉ की एजुकेशन ग्रहण की। तो आप समझ सकते हो कि आज़ादी से पहले बाड़मेर में बहुत थोड़े लोग, चंद लोग थे, और बाद में अपने पॉलिटिक्स में भी जैसे वृद्धिचंद जी थे, गंगाराम जी थे, ये वो लोग थे उस पीढ़ी के जिन्होंने उस समय उस जमाने में लॉ की थी, तो तनसिंह जी भी थे। उन्होंने नागपुर से जो है लॉ की शिक्षा की और नागपुर से करने के बाद में जब वो बाड़मेर आ गए तो 49 में वो पहली अपनी जब नगर पालिका बाड़मेर की बनी, तो वो बाड़मेर की नगर पालिका के पहले जो है नगर पालिका के अध्यक्ष बने अपने बाड़मेर शहर के। उससे पहले उन्होंने क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना भी की। क्षत्रिय युवक संघ उन्होंने 46 में बना दिया। अब आप देखिए कि एक नौजवान जिसकी उम्र उस समय 20-22 वर्ष थी, ठीक है, और देश आज़ादी की दहलीज पे खड़ा था, देश आज़ाद होने वाला था, तो उस नौजवान के मन में एक सपना आया, एक चीज़ उस आदमी, कितनी उनकी फार साइटेडनेस, मैं सोचता हूँ कितनी दूरदर्शिता थी, कि उन्होंने सोचा कि भाई देश तो आज़ाद हो जाएगा लेकिन देश इतने वर्षों तक गुलाम क्यों रहा। कोई भी मुल्क आगे बढ़ता है, पीछे हटता है, गुलामी झेलता है, तो उसका कारण होता है उसके नागरिक। दूर देशों से आकर के अंग्रेजों ने हमारे पे राज कर दिया, दूर देशों से आकर के मुगलों ने हमारे पे राज कर लिया, उससे पहले कई वंशों ने कर दिया, और हम लोग अब आज़ादी की दहलीज पे खड़े हैं, लेकिन ये आज़ादी लंबी कैसे टिक सकती है? तब टिकेगी जब जो हमारा नागरिक वापस मजबूत हो जाए। तो उन्होंने उस नागरिक को चरित्रवान करने के लिए, नागरिक की मजबूती के लिए सन 1946 में दिसंबर की 22 तारीख को क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना कर दी, और उसके बाद से कंटिन्यूसली आपने देखा होगा पिछली बार जो है उनकी जो संस्था बनाई हुई है उसके 75 साल जयपुर के अंदर बड़ा आयोजन हुआ। तो वो उनकी एक दूरदर्शिता थी कि देश के अंदर ठीक नागरिक बनाने का काम यदि चालू नहीं, वो सबसे ज़रूरी काम है, सबसे मैंडेटरी काम है। आप देखो इसमें आप यूँ सोचो, किसी घर में भी यदि ठीक नागरिक नहीं है तो वो घर भी नहीं चल सकता। तो उसके बाद में उन्होंने राजनीति के अंदर वो किस तरीके से, पहले नगर परिषद के चेयरमैन सभापति होंगे,
पहले एमपी बने, पहले विधायक बने, वो तमाम चीजें उन्होंने राजनीति के अंदर उन्हें उनकी एंट्री थी वो किस प्रकार हुई और राजनीति उस समय की राजनीति कैसी हुआ करती थी, आपने तमाम किताबों या इन तमाम चीजों से जाना होगा। नहीं तो ऐसे क्या, 52 तो पहला ही चुनाव था, हाँ। तो लोगों को पता ही नहीं था कि लोकतंत्र क्या है, हाँ। और ना आज की तरह से ये वोटिंग सिस्टम था, हाथ खड़े होकर वोट गिरते थे, बड़ा टिपिकल मामला था। पहली वोट जब गिरी तो 52 में आपको पता होना चाहिए कि जोधपुर के जो तत्कालीन हिजाइनस थे हनुमंत सिंह जी, उन्होंने अपने कुछ प्रत्याशी पूरे राजस्थान भर में खड़े किए थे, वो खुद भी चुनाव लड़े थे, तो उनका आग्रह था और उनसे भी बड़ा आग्रह था, उनके साथी भी थे, मित्र थे, जो बाद में क्षत्रियुग संघ के, उनके साथ मिलकर उन्होंने क्षत्रियुग संघ को खूब आगे बढ़ाया और बाद उनके बाद में वो संघ प्रमुख भी रहे क्षत्रियुग संघ के, आईवान सिंह जी जो पॉलिटिकल एडवाइज़र थे एचएस जोधपुर के, तो उन्होंने जो है अपनी ओर से ये कह दिया कि भाई ये तन सिंह जी यहाँ से 28 साल की उम्र में तो फिर उनको लेटर लिखा आईवान सिंह जी ने कि भाई मैंने आपकी ओर से यहाँ बोल दिया, उन्होंने पहले मना कर दिया था कि मैं इसमें नहीं लड़ूंगा, वो बाई नेचर इस तरह से पॉलिटिशियन टाइप के व्यक्ति थे नहीं, तो उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने हाँ दे दिए, तो फिर वो बोले कि भाई आपने जब हाँ कर दिए तो फिर मेरे ना का कोई प्रश्न नहीं उठा, ऐसे करके वो सियासत में जिसको कहते हैं बिना मन से वो आए और 52 में बन गए। फिर 56 में जो उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन थे विधानसभा में जसवंत सिंह जी, वो चले गए राज्यसभा में, जसवंत सिंह जी अपने वाले नहीं, जसवंत सिंह जी और थे, वो राज्यसभा में चले गए, तो उसके बाद में उनको अपोजिशन का नेता चुना गया पहली बार में, पहली विधानसभा में अपोजिशन, पहले 56 से 57 वो अपोजिशन के लीडर रहे, फिर 57 में वापिस रिपीट हो गए MLA, फिर 62 का जब चुनाव आया तो उनको जो स्वतंत्र पार्टी की नेता थी गायत्री देवी जयपुर की राजमाता, उन्होंने उनको टेलीग्राम भेजा कि आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ाएंगे, तो उन्होंने वापस सिंपल सा जवाब दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, हाँ। तो उन्होंने सिंपली वापस जो भी टेलीग्राम भेजा होगा और 21,000 का चेक भेज दिया, तो इस तरह से उन्होंने पहला 62 में बाड़मेर जैसलमेर शेरगढ़ी अपना पूरा संसदीय क्षेत्र इतना लंबा चौड़ा था, एक जीप थी उनके पास में, बहुत कम संसाधन थे और उस जीप पर भी चुनाव प्रचार वगैरह तमाम चीज़ें उस वक्त, तो हाँ उसमें, लेकिन उनके सामने बहुत हैवी वेट कैंडिडेट थे, आपको जान के आश्चर्य होगा अभी जो राजस्थान सरकार में हेल्थ मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह खेमसर, इनके पिताजी थे ओंकार सिंह, वो ओंकार सिंह जी उनके सामने चुनाव लड़े और उस चुनाव के भी कई इंटरेस्टिंग किस्से हैं, ओंकार सिंह जी के पिताजी शायद उस समय जीवित थे, तो तन सिंह जी ने ओंकार सिंह जी के पिताजी को पत्र लिखा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, और आप देखिए कितने ग्रेट लोग होते थे, उन्होंने उनके पिताजी ने कहा कि मैं आपको विजयश्री का आशीर्वाद देता हूँ, उनका पुत्र लड़ रहा था सामने, हाँ। फिर भी उन्होंने विजयश्री का, और ऐसे करके 62 का चुनाव वो जीते और पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, तो उनकी जो वेश विन्यास आप अभी फोटोग्राफ्स वगैरह में देखते होंगे कि वो अपनी इस वेशभूषा में रहते थे, दाढ़ी और ये अपनी ज्योति चमड़े की और साफा, तो ग्रामीण जैसी वेशभूषा थी, तो 62 की जो पार्लियामेंट थी वो बहुत इलिट पार्लियामेंट थी, तो आप ये समझो खूब पढ़े लिखे लोग उसमें रहा करते थे, कि एक महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई उसको लगा कि बेचारा अनपढ़ जो है, वो बोलते कम थे, सीरियस रहते थे पहले, हाँ। तो उसने आके पूछा कि कुछ पढ़े लिखे हो क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं LLB हूँ, तो वो झेंप गई, फिर उसके बाद में जब जैसे डिबेट्स वगैरह चालू हुई, हाँ। तो उसमें उनका जो है जिसको प्रतिभा जिसको कहते हैं, हाँ। आप देखिए कि फाइनेंस मिनिस्टर उस समय हुआ करते थे मोरारजी देसाई, हाँ। मोरारजी देसाई एक एफिशिएंट फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन फाइनेंस बिलों पे उनकी जो बहस है वो बहस एक्सीलेंट बहस थी, ठीक है, आप देखेंगे बजट पे उनकी बजटीय हस्तक्षेप, और फिर जब ये आपका अटैक हो गया चाइना का, तो नेहरू को पूरे अपोजिशन ने घेरा, वो एकमात्र ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने कहा कि नहीं इस समय प्राइम मिनिस्टर को हमारे सहयोग की जरूरत है, और प्रधानमंत्री के पक्ष में बोले, उन्होंने कहा जब देश पे संकट हो तो देश के नेता के साथ रहना चाहिए, अब को उनका था कि भाई कोई व्यक्ति डूब रहा है अपन किनारे पे खड़े होके कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था कि मत जाना, तो मत जाना उस बात पर कोई मतलब, हाँ, तो उस डूबते हुए को उसमें हाथ की जरूरत है, और उनका था कि ऐसे हम शांति काल में लड़ सकते हैं। पारिवारिक स्थिति क्या इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो इतने बड़े लीडर्स बन गए, या पारिवारिक स्थिति भी संघर्ष? नहीं, पारिवारिक स्थिति जैसे उनके पिताजी सोशली बहुत रेपुटेड व्यक्ति थे, लेकिन कुदरत का आप खेल देखिए कि उनके जन्म के बाद में 2 साल में उनके पिताजी का जो है स्वर्गवास हो गया, तो नेचुरल सी बात है कि अपने इस इलाके में जब रोजगारी के बहुत कम साधन होते हैं और इस तरह से पिता का साया सर पे उठ जाता है, तो निश्चित तौर पर एक स्ट्रगल रहता है, लेकिन उनकी जो माता जी थी
वो बहुत फार साइटेड और थे, उनके कारण ही उन्होंने उनको चौपासनी भेजा। तो वो उनका एक जज्बा था कि मुझे इसको पढ़ाना लिखाना है, काबिल बनाना है। आइडियोलॉजी क्या थी उनकी, मतलब जिस तरीके की आइडियोलॉजी थी वो आप देखिए कि क्षत्रिय युवक संघ अभी भी उसी आइडियोलॉजी पे क्या चल रहा है वो तमाम चीज़ें, क्योंकि पहले इतना क्षत्रिय युवक संघ लगातार सक्रिय नहीं था, पिछले 5-7 सालों में देखा गया है तमाम ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, क्या उसी आइडियोलॉजी पर अभी तक भी चल रहा है? नहीं, सक्रिय नहीं होता तो 75 साल कोई संस्था बड़ी नहीं होती। क्षत्रिय युवक संघ जैसी संस्थाएं हैं वो बिना हो हल्ले के, देखो व्यक्ति निर्माण का काम है उसके, वो तो रील बना के पूरा नहीं हो सकता, वो किसी अखबार में विज्ञप्ति जारी करने से या कहीं बयान देने से पूरा, उसके लिए तो जीवन देना पड़ता है, उसके लिए लोगों को तैयार करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो क्षत्रिय युवक संघ तो अपनी ही गति से लगातार चल रहा है, क्योंकि ये जो काम है इसकी कोई शॉर्टकट नहीं हो सकती। पब्लिक मीटिंग करनी उसकी तो चर्चा हो सकती है, जब आपने हीरक जयंती का कार्यक्रम देखा वो तो एक दिन का कार्यक्रम था, लेकिन क्षत्रिय युवक संघ तो 365 दिन चलता है। उनका आइडिया ये था कि व्यक्ति को जो है अपनी ड्यूटी को निभाते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर की तरफ जाना चाहिए। एक व्यक्ति का अपना ये भारत का दर्शन भी है कि व्यक्ति हमारे को मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, कि हम ईश्वर की प्राप्ति करें, वो कहीं और नहीं बैठा है, ईश्वर हमारे भीतर है, हमारी चेतना को हम जागृत करें, और जागृत चेतना जो है वो देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए काम आ सकती है। तो बेसिकली वो व्यक्ति की चेतना को प्रज्वलित करने का एक अभियान लेके चले थे। तो वो महर्षि अरविंद हो, रमण महर्षि हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, उनकी विचार की उन पे छाप थी। लेकिन कहते हैं कि चाहे हीरक जयंती हो या ये अब जो 28 जनवरी को दिल्ली में कार्यक्रम है, लोग ये कहते हैं जो राजनीतिक जानकार है कि ये एक शक्ति प्रदर्शन है, चुनावों से पहले, विधानसभा से पहले हीरक जयंती पर हुआ, अब लोकसभा चुनाव है, उससे पहले जो राजपूत समाज है वो एक कड़ा संदेश देना चाहता है। कड़ा और नरम संदेश तो क्या होता है, देखो 75 साल जो है वो है, 75 साल, 75 साल में इतने बड़े कार्यक्रम पहले नहीं हुए जितने अभी 5-7 सालों से, जितना मैंने आपको पहले भी पूछा ना कि सक्रिय इसीलिए हुआ है, लोगों को ताकत बताने की कोशिश की जा रही है कि साहब हम लोग संगठित है, पहले इस तरीके के कार्यक्रम में इतना बड़ा हावला नहीं होता था। देखो दो एक कहावत है अंग्रेजी में, मैं उसको हिंदी में ही बता देता हूँ, कि ताकत और औरत, इन दोनों को ये बताना नहीं पड़ता कि वो क्या है, ठीक है, सबको पता है कि कौन क्या है। जिनके पास ताकत होती है उनको कुछ ज़्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं होती, ताकत होती है या ताकत नहीं होती है। कई बार आप कितना ही आप बता दो, मैं अभी कह दूँ कि मैं अंबानी के बराबर हूँ, देखिए आप सबको ही पता है कि मेरा रिटर्न कितना है, तो उसमें कुछ नहीं। ये 75 साल, क्योंकि कोई भी संस्था जब बनती है तो उसको 75 साल पे सब संस्थाएं मनाती है, और कोई महापुरुष जिसके जीवन काल के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसका शताब्दी समय, यदि वो महापुरुष है उसको लोग याद करते हैं तो 100वां, अभी जैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने रत्न दिया, ये उनका शताब्दी समारोह, शताब्दी ईयर चल रहा है। तो जिन लोगों का समाज जीवन में योगदान होता है उनको जो है अपन ताकत परीक्षण, ये परीक्षण इनसे अपन नहीं नाप सकते, वो लोगों की आम जनमानस की उनके प्रति कृतज्ञता होती है कि वो उनको सालों साल याद करते हैं, और अपन देखते हैं कि 12 दिन के बाद घरवाले याद नहीं करते, ठीक है। तो वो तो व्यक्तियों की ताकत होती है जो सो उनके जाने के वर्षों बाद भी उनको याद करने। तो अभी क्षत्रिय युवक संघ कौन चला रहा है इस समय, किस तरीके से पूरा का पूरा मैनेज किया जा रहा है, कौन चला रहा है उसी आइडियोलॉजी से? क्षत्रिय युवक संघ को कौन चला रहा है, वो तो क्षत्रिय युवक संघ का पूरा एक ढांचा बना हुआ है। क्षत्रिय युवक संघ में सर्वोच्च पोस्ट होती है संघ प्रमुख की, संघ प्रमुख जो पहले भगवान सिंह जी थे, अब उनके बाद में लक्ष्मण सिंह जी बैठने का वास है, और उसके बाद में नीचे एक पूरी चैन है जो ठेठ आपके एक ग्राम इकाई तक की, तो वो सारा का सारा संगठन का एक ढांचा बना हुआ है। उस संगठन के ढांचे के अनुसार से शाखाएं लगती है, शिविर लगते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, आयोजन होते हैं, स्नेह मिलन होते हैं, इस तरह के छोटे मोटे आयोजन लगातार 365 दिन चलते हैं। 28 तारीख को क्या कुछ कार्यक्रम है, और उसके लिए पिछले मैं देख रहा हूँ 2 महीने से लगातार कैंपेन भी चल रहा है। हाँ, वो सूचना देने का काम हो रहा है, कैंपेन इन सेंस कोई वोट प्राप्ति का नहीं, वो सूचना की 28 तारीख को अपने को जाना है, ये 100 वर्ष का कार्यक्रम है, लोगों तक सूचना के लिए इस तरह की यात्राएं चल, कहाँ कहाँ से लोग वगैरह जुटेंगे, क्या कुछ किस तरीके से? मोटा मोटी देखिए आप, ये है कि जो दिल्ली के आसपास का इलाका है वहाँ से ज़्यादा लोग रहेंगे क्योंकि वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ क्षत्रिय समाज है, महाराष्ट्र, साउथ में भी, सब जगह से, वैसे पूरे अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिनिधि तो सब जगह से आएंगे, राजस्थान से भी जो है लाखों लोग शामिल होंगे, लेकिन आसपास के इलाके से ज़्यादा लोग आएंगे। क्षत्रिय युवक संघ बेसिकली शिविर लगाता है, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत
तो वो क्या होता है, उस शिविर के अंदर क्या कुछ किया जाता है व्यक्ति के गुणों को लेकर, समाज के प्रति, या क्या उसकी क्वालिटीज होती है, क्या कुछ होता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति को अपन कोई चीज़ यदि पैदा करना चाहते हैं तो हमारे भारतवर्ष में पुरानी एक परंपरा थी साधना की, और अब उसको आप अंग्रेजी में कह दो फोर जैसे ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षण जिसको कहते हैं, किसी भी चीज़ में निष्णात करने के लिए। जैसे आप पत्रकार हो तो आपको पत्रकार बनाने के लिए पत्रकारिता का भी एक प्रशिक्षण कोर्स होता है। तो ऐसे ही एक साधना के द्वारा व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाने का वो पूरा प्रोसेस है। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक खेलों के माध्यम से, बौद्धिक के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, गायन के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से, डिबेट के माध्यम से, वो पूरे के पूरे एक उनका पूरा मेथड है, उस पर वो पूरा काम। आप सुन रहे थे राजेंद्र सिंह बिहार को, जिन्होंने बताया तनसिंह जी का जीवन कैसा था, कैसे क्षत्रिय युवक संघ काम करता है और किस तरीके से 28 तारीख को कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कैमरे के पीछे नातू सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।